प्रदेश में स्कूलों की स्थिति जर्जर है, टीचर नहीं है, बिना भवन के स्कूलों की भरमार है। 50 लाख बच्चे पिछले 10 साल में स्कूल छोड़ चुके हैं। जहां जनसंख्या बढ़ रही है वहां मध्य प्रदेश एक ऐसा अद्भुत राज्य है शिक्षा, स्कूली शिक्षा में, कि 50 लाख से ज्यादा बच्चों कम हो गए एजुकेशन में, और जो जा रहे हैं वो जान दे रहे हैं। रीवा में स्थिति ये रही कि दीवार ढह गई। जब तक प्रशासन स्कूल सरकार का कोई नुमाइंदा उसकी सुध नहीं ली। ये दुर्घटना नहीं थी, ये हत्या थी, और इस हत्या का जिम्मेवार सरकार है, मध्य प्रदेश की सरकार है, शिक्षा विभाग। बात यह है कि लगातार आपने 30,000 करोड़ रुपए से 32,000 करोड़ रुपए बजट हो गया, ये पैसा जाता कहां है? करप्शन की भेंट चढ़ जाता है। 3 सी की सरकार का 1 सी उसको निगल जाता है। तो मैं मानता हूं इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए, और जितने भी स्कूल इस तरह के हैं जिसमें भवनों की स्थिति जर्जर है, सरकार ने इस पर श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। रीवा के मामले में स्कूल प्रशासन के जिम्मेवार अधिकारी। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।